देखें हर पाकिस्तानी, मैं नहीं, हर पाकिस्तानी ही अमन चाहता है, हमारी गवर्नमेंट्स अमन चाहती हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आरएसएस जो नज़रिया है, मोदी का जो नज़रिया है, वो बेसिकली इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। बाबर आजम इंशाल्लाह नंबर वन पे है, टीम भी उसकी नंबर वन पे है, और इंशाल्लाह हमेशा कप भी लेके आएंगे और वर्ल्ड कप भी हमारे। तो मेरा ख्याल है रोहित शर्मा इज अ गुड प्लेयर, लेकिन आजकल बाबर का जो है ज़्यादा हाइप क्रिएट है, बाबर की क्लास भी आजकल जो है बहुत हाई हुई हुई है, तो मुझे लगता है बाबर। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, फातिमा सईद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है डीएस डिजिटल से। नाजरीन, एशिया कप फिर से होने जा रहा है, रोहित शर्मा और बाबर आजम के माबैन मुकाबला होने वाला है। दुनिया की नंबर वन टीम पाकिस्तान क्या इस बार भी अपना मुकाम बरकरार रख पाएंगी, और क्या भारतीय टीम इस बार अपने बाजुओं के ज़ोर पर पाकिस्तान को हरा सकती है? आइए चलते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? साकिब नाम है सर। पाकिस्तान और भारत का एक बार फिर मुकाबला होने जा रहा है एशिया कप में, बाबर आजम रोहित शर्मा, इन दोनों में से कौन फेवरेट आपका? ऑब्वियसली बाबर आजम। बाबर आजम, पाकिस्तानी टीम को इस बार आप क्या मशवरा देंगे? मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी से चलें तो काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि एक दफ़ा इनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो गिरना स्टार्ट होता है तो लाइन ही लग जाती, तो अगर ये मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी से खेलेंगे बिल्कुल, तो फिर इंशाल्लाह मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। पाकिस्तान को इस वक्त अपनी टीम बनाने में किन लोगों को रखना चाहिए, कौन से मेंबर्स रखने चाहिए? पाकिस्तानी टीम ठीक है, अगर यानी प्रैक्टिस बेहतर इनके रहे तो ठीक है मेरे ख्याल से। और भारत में? भारत तो क्या कह सकता हूँ भारत के बारे में भारत के बारे में ऐसा मेरा कोई ओपिनियन नहीं है सर। नसीम शाह और उर्वशी जो है उन मॉडल इंडिया की, उनके बारे में मतलब काफ़ी हवाएं फैलती हैं, बातें फैलती हैं, आप अपनी टीम को क्या मशवरा देंगे कि इन एक्ट्रेस से किस तरह बचें? ऑब्वियसली अपने ये हार्ड वर्क करें और इन सबसे इन मामलों से दूर रहेंगे तो ही ये अपने कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे ना मैच की तरफ। तो ऐसे पाकिस्तान टीम खेलने जा रही है, उसके लिए कोई गाना गुनगुनाएंगे? गाने में मैं इनफैक्ट इतना कोई परफेक्ट नहीं हूँ। कोई से दो बोल सुना दे। दिल दिल पाकिस्तानी है हमारा, ना दे गुनगुना दे। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। जबरदस्त। अच्छा ये बता दें, इस दफा एशिया कप कौन लेके जाएगा? पाकिस्तानी होने के नाते तो मैं यही कह सकता हूँ पाकिस्तानी लेके जाएगा, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। थैंक यू सर। आए नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर लोगों के अंदर जज्बा मोहब्बत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए, बेशक कितने भी मामले पाकिस्तान में हो जाए, लेकिन क्रिकेट के मामले में पाकिस्तान के जज्बे आज भी ज़िंदा है। सर क्रिकेट होने वाला, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्रिकेट की तैयारियाँ हैं कोई? हाँ जी, क्रिकेट का सुना है कि क्रिकेट के मैच हो रहे हैं एशिया कप, पाकिस्तान में भी कुछ मैचेस हो रहे हैं। आज रास्ते में आते हुए ट्रैफिक की भी ब्लॉक थी। असल में मकसद इनका क्रिकेट, ठीक है क्रिकेट होनी चाहिए, खेलों से मतलब बहुत ज़्यादा फिटनेस आती है नौजवानों में, नशे से लोग दूर जाते हैं, लेकिन लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। जो बाज़ का रोड बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक का सूरत हाल बुरी हो जाती है। चलें वो तो एक टॉपिक अलग है ना, ये बताएँ एशिया कप होने जा रहा है, बाबर आजम और रोहित शर्मा में आपका फेवरेट कौन है? तो डेफिनेटली बाबर आजम ही फेवरेट है, क्योंकि पाकिस्तानी है, तो मैं पाकिस्तानी हूँ तो सपोर्ट भी तो पाकिस्तानी को करूँगा, लेकिन जो भी अच्छा खेलेगा और गेम वही होती है जो अच्छा खेले उसे अप्रिशिएट। बाबर आजम देखें वो अच्छा फॉर्म में है, खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलेंगे। जहाँ पे आप कुछ भी अच्छा कर रहे होंगे ना या खेल रहे होंगे तो बातें होती हैं, तो इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और फोकस करना चाहिए ऑन योर गेम, बस गेम पे फोकस करें। जो उनका पैशन है, जो काम है वो करेंगे, लोग तो बातें करते रहते हैं, लोगों का क्या। पाकिस्तानी टीम जो है वो अगर पॉलिटिक्स में ना ही जाए तो बेहतर है, पॉलिटिक्स वो बताएँ, सियासत की बात नहीं कर रहा, जो इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही होती है टीम के अंदर उसमें ना पड़ें, जो काम है अगर ये खेले एज ए टीम खेलें तो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो ये एज ए टीम खेलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, डेट्स इट, यही है बेहतर है। पाकिस्तानी टीम में
आपको क्या लगता है कि कौन से नए लोग आने चाहिए? पाकिस्तानी टीम के अंदर यंग टैलेंट आना चाहिए, जो खास तौर पे पाकिस्तान में आईपीएल अभी वाली टीम से आप सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, कुछ ठीक है, लेकिन जो अभी टीम जो है वो बेहतर है कुछ, लेकिन यह कि इसमें जैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर देखें आईपीएल होता है, आईपीएल से बहुत सा यंग टैलेंट निकल के आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से पीएसएल से टैलेंट नहीं आता। जो लोग अच्छा खेलते हैं वो रेफरेंस की वजह से या कुछ और वजूहत या वो फिनेंशियल मैटर्स की वजह से वो आगे नहीं आ पाते और वो गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलते हुए वहीं पर एक्सपायर हो जाते हैं। भारत की टीम की कोई कमजोरियाँ बता दें। देखें कोई टीम जो है ना जब एज ए टीम नहीं खेलती ना तो वो कमज़ोरी है। क्या इस दफ़ा भारत हमारी टीम से ऊपर जाने की कोशिश करेगा? और डेफिनेटली देखें हमारे हरीफ हैं, रवायती हरीफ है, और वैसे भी भारत को ये मसला है क्योंकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हमसे होता ही रहता है, तो जब भी पाकिस्तान अच्छा खेले हैं तो ये ओडीआई फर्स्ट रैंकिंग में है। अब डेफिनेट हर टीम ही कोशिश करती है, अफगानिस्तान भी कोशिश करेगा कि वो रैंकिंग में ऊपर जाए, तो मैंने पहले ही ये बात कर दी थी कि जो भी अच्छा खेलेगा उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, बाकी हम पाकिस्तानी हैं तो वी विल सपोर्ट द पाकिस्तानी टीम। भारतीय टीम को ये मशवरा है कि वो जो ये उनके में है ना कि पाकिस्तान जाके नहीं हमें खेलना, या अगर हमें वहाँ जाके खेलने में प्रॉब्लम नहीं है तो उनको भी नहीं होनी चाहिए, ये नफ़रत की दीवारें तोड़ देनी चाहिए। अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से अमन का पैगाम दे रहे हैं। बिल्कुल, आप अमन चाहते हैं? देखें हर पाकिस्तानी, मैं नहीं, हर पाकिस्तानी ही अमन चाहता है, हमारी गवर्नमेंट्स अमन चाहती हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आरएसएस जो नज़रिया है, मोदी का जो नज़रिया है, वो बेसिकली इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। वो हमेशा उनके लोगों में ऐसा नहीं है, उनके लोगों को अगर आप ज़ाती तौर पे जाके इंटरव्यू करें तो भी यही चाहते हैं कि अब ये नफ़रत, ये जो बॉर्डर्स हैं ये ख़त्म होने चाहिए। हाँ, बॉर्डर्स लाइनें तो हैं, लेकिन आपस में लेन देन, अगर हम तजारत की बात करें तो हम इंडिया प्याज ही की बात करें, इंडिया दुबई भेजता है, दुबई से हम ख़रीद रहे हैं, उस पर डबल ड्यूटी भी दे रहे हैं, उस पर हमारे और भी अखराज आ रहे हैं, और फिर वो पाइपलाइन में भी हो रहा होता है, तो अगर हम डायरेक्ट वाघा के रास्ते करेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ। पाकिस्तान के लिए ही मैंने पहले बताया कि पैट्रियटिज्म, वी आर अ पाकिस्तानी एंड पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हैं। तो चलें कुछ सुना दे। मुझे मिली नगमा कोई नहीं आता, वो पहले आते होते थे आर्मी के नगमे, जो भी आता सुना। नहीं, अब नहीं आते वो। जज्बा होना चाहिए। अब वो मैंने छोड़ दिया, अब वो मुझे भूल गया है। कोई बात नहीं, आप वो जज्बा दोबारा से जगाएं, क्योंकि एशिया कप। इकबाल का शेर एक मैं सुना देता हूँ पाकिस्तान के, पाकिस्तानी टीम के लिए, और ये मैसेज है इंडियन टीम के लिए भी, कि महरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणें संभाल रखे, कि महरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणें संभाल रखे, मैं अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। बहुत खूब नाजरीन, आप अपनी पाकिस्तानी जो आवाम है उसका जज्बा देख रहे हैं। बाबर आजम और रोहित शर्मा में आपका फेवरेट कौन है? डेफिनेटली बाबर आजम किंग है वो। ये बाबर आजम इंशाल्लाह नंबर वन पे है, टीम भी उसकी नंबर वन पे है, और इंशाल्लाह हमेशा कप भी लेके आएंगे और वर्ल्ड कप भी। थोड़ा जज्बे से बताएं, आप जिनके नाम ले रहे हैं वो पाकिस्तान दुनिया के नंबर वन टीम के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय अदाकारें हमारे जो क्रिकेटर्स उनको अट्रैक्ट करती हैं, उनसे बचने के लिए कोई मशवरा? बस यही कह सकते हैं, बच्चे हमारे उनसे दूर रहेंगे, बस नसीम शाह से ये कहेंगे कि बच के रहे, बस अपनी क्रिकेट पे फोकस करें और अपनी गेम पे फोकस करें, इंशाल्लाह हमने कप लेने जाना होता से कोई और नहीं ले जाना, बस इंशाल्लाह हमारा शहीन और बाबर आ रहे हैं, बस बच के रहें। पाकिस्तानी टीम को कोई मशवरा देना चाहिए? पाकिस्तानी टीम के लिए यही है कि जैसे आज भी अच्छा परफॉर्म किया, बाबर ने 150 प्लस किया, इफ्तिखार ने भी 100 प्लस किया, इस तरह इंशाल्लाह खेलते रहेंगे, रिजवान ने भी अच्छा खेला है, इसी तरह हम खेलेंगे आगे, इंशाल्लाह बॉलिंग भी हमारी अच्छी है और इंशाल्लाह एशिया कप भी है। और भारतीय टीम की खामियां भारतीय टीम में यही है, वो टीम वर्क नहीं करते, उनमें ग्रुप बाजी हैं, ग्रुप बनाए हुए उन्होंने, बस ऐसे ही हार्दिक पांड्या का अलग है, रोहित शर्मा का अलग है, विराट कोहली का और है, बस एक टीम बन के यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, बस पाकिस्तान टीम के लिए यही पैगाम है कि इंशाल्लाह लड़को ऐसे ही खेलते रहना, हमने इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी लेके आना, और वो भी हमारा ही है, एशिया कप भी हमारा और वर्ल्ड कप भी हमने को लेके आना है, इंशाल्लाह टीम हमारी नंबर वन पे और नंबर वन पे ही रहेंगे इंशाल्लाह। एशिया कप लेके कौन जाएगा? एशिया कप पाकिस्तान का ही है इंशाल्लाह, बाबर आजम उठा के लाएगा ट्रॉफी, बाबर आजम की है। नाजरीन इंशाल्लाह के साथ इन्होंने बोला कि इस दफा पाकिस्तान ही ट्रॉफी लेके आएगी। बाबर आजम और रोहित शर्मा में आपका फेवरेट कौन? बाबर। जज्बे से बोले बाबर। बाबर बाबर 100 बार पूछे, नारा लगा के बोले। नारा कौन सा लगा? बाबर आजम, बाबर जिंदाबाद है। अच्छा ये बताएं कि भारतीय टीम को कोई, उनकी कोई खामियां आपको पता है जो
जिनकी वजह से वो अक्सर लेग कट जाते हैं। वो प्रेशर बढ़ा है ना उनपे। प्रेशर किस चीज? मीडिया का, उनका, उनके मीडिया का। खुद को बड़ा बहुत मानते हैं ना। अच्छा, उनका मीडिया खुद को बड़ा मानता है। वो बोलते हैं हमारे प्लेयर ये हैं वो हैं, इसी वजह से। ऐसा क्यों है? ऐसा मतलब है ना, भी अभी उनके है ना, वो रोहित ऐसा है, हमारा कोहली ऐसा है, ये वो। फिर उनको ये होता है अगर हम ना पहुंच सके इस चीज़ तक, डर बहुत होता है। पाकिस्तानी टीम को क्या मशवरा देंगे उनकी उनकी खवातीन से बचने के लिए? वो पड़ी हुई है, लेकिन नसीम का तो कोई रिएक्ट नहीं उसके बारे में। यानी आप कह रहे हैं कि साडा मुंडा सख्त है? साडा मुंडा बिल्कुल सख्त है, वो नहीं लगता। पाकिस्तानी टीम को कोई मशवरा? मशवरा मैं तो, वो खुद समझदार है, इंशाल्लाह विन करेंगे। नहीं, वो तो समझदार है, आप ही तो कुछ बताओ। नहीं, वो कौन सा सुन रहे हैं, जब मिलेंगे मशवरा देंगे। भारतीय टीम को कोई मशवरा? भारतीय टीम को बच के रहे जरा बाबर से। बच के रहे भारतीय टीम, बच के रहे। मैंने आज भी देखा है आपने कैसा अच्छा खेला है। बाबर आजम और रोहित शर्मा, आपका फेवरेट कौन है? पहली बात है, एशिया कप होने नहीं जा रहा, एशिया कप शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और नेपाल का जो मैच जारी है, और पाकिस्तान जो है वो बड़ा अच्छा खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने बात की रोहित शर्मा की और बाबर आजम की, तो मेरा ख्याल है रोहित शर्मा इज़ अ गुड प्लेयर, लेकिन आजकल बाबर का जो है ज़्यादा हाइप क्रिएट है। बाबर की क्लास भी आजकल जो है बहुत हाई हुई हुई है, तो मुझे लगता है बाबर। मुझे तो भारतीय टीम में फ़िलहाल कोई खामी नज़र नहीं आ रही, बस रिक्वेस्ट है कि भाई पाकिस्तान आ जाएँ खेलने के लिए, क्योंकि एशिया कप इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, तो डेफिनेटली क्योंकि पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। तो जब ये एशिया कप की अनाउंसमेंट हुई तो भारत ने कहा था कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, उन्हें कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, जिस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा कहा गया कि आप आएँ। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने कहा जी अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आएगी तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने जो है वो भारत नहीं जाएँगे। लेकिन पता नहीं हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया को आना चाहिए, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ। 2 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, एशिया कप का पहला बड़ा मैच, जिसका मतलब कह लें कि पूरी दुनिया को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। पाक भारत टाकरा, मतलब एक जंग का माहौल होता है। तो अभी सीन ये है कि कुछ पता नहीं है, कहा जा रहा है कि न्यूट्रल वेन्यू पर इनका होगा, तो मे बी शायद UAE या श्रीलंका में इन दोनों का टाकरा हो। लेकिन मैं चाहूँगी कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान आना चाहिए, हम भी कजाफी स्टेडियम में, कराची के स्टेडियम में विराट कोहली को, रोहित शर्मा को खेलते हुए देखना चाहते हैं। आई एम बिग फैन ऑफ विराट कोहली, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इंडियन टीम से, BCCI से, कि वो आएँ और एक दफ़ा पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए, ताकि हम वो 90s का जो दौर हमारे बड़ों ने देखा था, हम भी एक बार देखें, हम भी इंडियन प्लेयर्स को पाकिस्तान में खेलते हुए देखें। क्योंकि ये जो सियासत है, मुझे लगता है कि इसे खेल से अलग ही रखने तो बेहतर होगा। कोई मशवरा? प्रेशर नहीं लेना, घबराना नहीं है आपने, तो मेरा ख्याल है ये मैच ऐसा होता है कि दोनों टीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। 2 सितंबर का बेसब्री से डेफिनेटली पूरी दुनिया को इंतज़ार होगा, इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच है एशिया कप का, तो डेफिनेटली दोनों टीम पर बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि ये मैच नहीं होता, ये एक जंग होती है। तो मेरा ख्याल है कि आप खेल को खेल की तरह कंसीडर करें, प्रेशर में ना आए कोई भी टीम, और अच्छा खेलें। लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप था तो हमने देखा था कि भारतीय क्रिकेट टीम बहुत जल्दी घर वापस चली गई थी, और मुझे अफसोस भी था इसका कि वो वर्ल्ड कप से बहुत जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा वो बहुत ज़्यादा अपने आप को तैयार कर वापस आएँगे, तो इस दफ़ा बड़ा मज़े का टाकरा होने वाला है। मुझे लगता है कि सब लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। यार, ये टीम के ऊपर कोई लड़की डोरे नहीं डालती, ये हमारा किया धरा सोशल मीडिया का होता है, ठीक है? मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। नसीम शाह एक उभरते हुए स्टार हैं, सब उन्हें पसंद कर रहे हैं। पिछले साल हमने देखा वर्ल्ड कप में कि अगर उर्वशी रुटेला जो कि इंडियन एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बस उन्हें स्माइल पास कर दी। अब मैं कहूँ कि भाई मुझे विराट कोहली पसंद है तो क्या मैं उस पर डोरे डाल रही हूँ? ऐसा नहीं होता। आप लोग मैच्योर हो जाएँ, इस मेरा ख्याल है नेगेटिव थाट से ज़रा ऊपर हो के बाहर सोचें। प्लेयर प्लेयर होता है, उसके लिए उसके फ़ैन मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी इस डर्टी थिंकिंग से थोड़ा बाहर आना चाहिए, ये डोरे शोरे डालना टिपिकल जो सोच है उससे बाहर निकलें। जो एक प्लेयर होता है, एक एक्टर होता है, या जो भी होता है, स्टार होता है, उसके फैंस होते हैं, वो मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को दरगुजर करना चाहिए। ये जो स्टंट्स हैं ना, ये हमारा सोशल मीडिया करता है, सिर्फ व्यूअरशिप की गेम है, दैट्स इट। और कोई किसी पर डोरा नहीं डाल रहा। उर्वशी रुटेला को और बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर बहुत घास डालती होंगे, जिन्हें वो घास नहीं डालती होगी। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, आप गेम को एंजॉय करें। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खबरें निकलती हैं, इसको इग्नोर करें। अगर इग्नोर नहीं कर सकती तो एंजॉय करें। मतलब बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी बातें होती रहती हैं। एशिया कप लेकर कौन जाएगा?
अल्लाह करे पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, तो इज्जत रखे एशिया कप पाकिस्तान का ही हो। आज पहला मैच है, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच जी, इन्होंने हमें इंटरव्यू दिया, आपने इनके मौक़िफ़ सुने।